हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। बाइनरी फॉर्म आप जानते ही होंगे कि बाइनरी फॉर्म में सिर्फ दो ही डिजिट होता है, एक होता है वन और एक होता है ज़ीरो। तो किसी भी नंबर को हम जानेंगे कि बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके बताऊँगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 37 का, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमें करनी है, आप 2 के पावर्स के नंबर लिख दीजिए, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 0 1, 2, 4, 8, 16 और 32, ठीक है। ये पावर आप तब तक लिखिए जब तक ये जो नंबर आ जाए, ये हमें गिवन नंबर जो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है उससे बड़ा ना हो जाए। अब देख सकते हैं 64 37 से बड़ा है, तो हमें यही तो करना था। सो जो नंबर जस्ट बड़ा है उसके नीचे लिख दीजिए 0। अब 32 को 37 से माइनस कर दीजिए, हो रहा है माइनस? हाँ हो रहा है, तो हम पे 1 लिखेंगे और रिमाइंडर जो बचा है 5, उस हम एक साइड में लिख देंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर 5 बचा है, क्या वो 16 से सब्ट्रैक्टेबल है? मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 16 हम 5 से? नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। 8 से कर सकते हैं 5 का माइनस? नहीं। 4 से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 4 के नीचे। फिर अब जो रिमाइंडर बचा 5 माइनस 4 करके, वो बचा 1, तो 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, तो ये 1 से सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1। सो अगर हम 37 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये होगा 1 0 0 1 0 1, ठीक है। सो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं 62 का, ठीक है। ये सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 2 की पावर्स के नंबर लिखिए जब तक वो नंबर, जब तक लास्ट नंबर इससे बड़ा ना हो जाए। सो सबसे छोटा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 आएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ठीक है। अब जो लास्ट नंबर है इससे बड़ा हो गया, यही तक हमें लिखना था। तो जो नंबर से बड़ा है उसके नीचे आप ले सकते हैं 0। 62 से हम माइनस करेंगे 32, माइनस अगर सब्ट्रैक्टेबल है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और रिमाइंडर हम लिख लेंगे नीचे। रिमाइंडर क्या बचेगा अपना? 30 16 से सब्ट्रैक्टेबल है या नहीं है? हाँ है, तो हम 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 16 नीचे लिख देंगे 1। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा 14, क्या 14 8 से सब्ट्रैक्टेबल है? हाँ है, तो 1 14 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 6। 6 4 सब्ट्रैक्टेबल है? हाँ, तो 4 के नीचे 1। 6 माइनस 4 2, क्या 2 2 से सब्ट्रैक्टेबल है? हाँ, 1 रिमाइंडर बचा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 0 1 से सब्ट्रैक्टेबल नहीं है। तो अगर हम 62 को बाइनरी फॉर्म में लिखें तो वो आएगा 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है। आगे का 0 हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अपने डेसिमल में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 ही एग्जांपल थे, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हाँ, और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इसे जो डेसिमल में आते हैं जिसमें होता है डेसिमल पॉइंट, इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो मैं उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट करके। थैंक यू।